हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों को एक और नए ब्लॉग पर। तो अभी जो है मैं शाम से शुरू कर दिया ब्लॉग को। तो अभी हम लोग जो है प्रियंका का घर जाएंगे घूमने के लिए। वैसे बहुत दिन हो गया नहीं गए, तो प्रियंका भी बुला रही है। वो लोग के पास जो है स्टिकी राइस है, तो लोकल बिस्किट खाने के लिए बुला रही है। अभी पूरा शाम होने को चला है, ज़्यादा दोपहर को जो है जा नहीं सकते क्योंकि इतना गर्म है ना। शायद जो है थोड़ा रात का टाइम पे बारिश होगा, क्योंकि देख सकते हो मौसम जो है बदल रहा है, पूरा काले काले बादल। और मम्मी जो है मामा लोग का वहाँ पे गए थे घूमने के लिए, क्या क्या लेके आ रहे हैं, फिडल फन और क्या करेला। करेला अभी जाते हैं, ये भाई साहब जो है पहुँचाने जा रहा है। चलो रहने यहाँ में चुपचाप से है, जाता है सीधा बितुल लोग का घर पे। पहुंच चुके हैं ये लोग का घर पे, और यहाँ पे देखो नया नया घर जो है बना रहे हैं। यहाँ पे किचन, लोकल ट्रेडिशनल वाला घर, ये वाला जो है चलानी घर है। ये वाला जो है लोकल घर है, बेम्बू का घर। अभी थोड़ा ठंडा ठंडा हो चुका है मौसम, और ये लड़का जो है सो गया था। हाँ, अभी इसको निकालना पड़ेगा। और अंदर पर जो है प्रियंका क्या बना रही है, ये देखो बोरा फिदे, यहाँ पे एकदम गर्मा गर्म बोरा फिदे। अच्छा हो रहा है, तो लोकल वाला बोरा फिदे स्टिकी राइस से। तो अभी बना के खाते हैं बोरा फिदे लोकल तेल के साथ। लोकल तेल, लोकल सरसों का तेल, सरसों और रिफाइन। और ये लोग का किचन छोटा सा, बहुत प्यारा है। और यहाँ पे ये लोग का रूम, ये देखो बहुत ही अच्छा। वाह, ये क्या है? ओ, सूखा वाला करेला। हाँ, मैं थोड़ा जमा करके रखी। हाँ, बढ़िया है। हाँ, बारिश देने से वो वाला खाने में मजा होता है। ये देखिए यहाँ पे प्रियंका ने जो है एकदम गर्मा गर्म बना दिया है। तो अभी टेस्टिंग करते हैं, पर बितुलवा नहीं है। बितुलवा होने से मजा आता है, वो वाला डायलॉग सुन के। बेम्बू काटने गया है, ये नया घर के लिए जो है बेम्बू काटिंग करने गया है। चलो रेहन खाएगा। चलो खाते हैं। ही लो ना, गरम कम दिया है, चीनी कम दिया है, चीनी कम दिया है। टेस्टिंग करते हैं, फिर भी बहुत ज्यादा गर्म है। उमा सब गर्म है। चेयर्स, ज्यादा मीठा भी अच्छा नहीं है। टेस्टिंग आया तू? मीठा हुआ है तुम? शायद ये ज्यादा मीठा खाती है। जब रेहन पेट में था, मैं भी उस टाइम पे बहुत मीठा खाती थी, गुलाब जामुन रात को भी खाती थी, लड्डू मोतीचूर का लड्डू। अभी घर पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। वहां पे जो है जल्दी जल्दी लोकल बिस्किट खा के जो है आना पड़ा, पूरा गर्मा गर्म। और रेहन आते आते सो गया था, अभी फिर से जाग गया है। प्रियंका ने जो है यहाँ पे लोकल रिफाइन ऑयल दिया है, अभी इसको जो है इधर में रखती हूँ। और मम्मी ने जो है पूरा खाना वगैरह yes, बना दिया है। yes, क्या yes. जंगली खट्टा खाने मन हो रहा है, मुंह पे पानी आ रहा है। और यहाँ करेले की साग, चावल भी चढ़ा दिया है, और क्या पकाएंगे। और यहाँ पे देखो नींबू, इमली, बीन्स, फिडल फन, बहुत सारे हैं। गुड मॉर्निंग अगेन दोस्तों। कल हम लोग जो है डिनर करने के बाद सो गए, और अभी सभी उठ चुके हैं। इतना धूप निकल आ चुका है ना सुबह का टाइम पे, इतना तेज धूप, पता नहीं आज दिन पे क्या है, कैसे रहेंगे। वैसे तो लाइट है, लाइट रहने से थोड़ा इजी होती है। अभी दीदी जो है ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही है। मैंने जो है सुबह उठते ही फ्रेश अप हुआ, फिर उसका कपड़ा वगैरह वॉश किया। मेरा ज़िंदगी तो वैसे ही है, रेवन का जो भी कपड़ा वगैरह गंदा होता है उसे जो है मैं वॉश कर लेती हूँ। अभी ब्रेकफास्ट में इतना खास सब्जी नहीं है, तो मैं यहाँ पर जो है लौकी 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 यहाँ में लौकी लगे हुए हैं, ये देखिए। अदी आधा हो दुगुलो हम बामा, इतना बड़ा लौकी है, ये देखो। इसको लेके जाते हो उधर में, एक तो है अय्या, ये देखो यहाँ में एक तो है, ये वाला खाएंगे। यहाँ में एक तो है, ये देखो यहाँ पे एक तो है, और साग भी है।
तो इसको लेके जाते हूँ, इसको मैं पका लेती हूँ। वहाँ पे भी है, बाप पूरा लौकी ही लौकी है उधर में दिखाई दे रहा है। कल ये मटर को भिगो के रखी थी, इसे जो है मैं भूल गई हूँ खाने के लिए। अभी इसको मैं सिंपल से बॉयल करूँगी नमक दे के। और दीदी ने यहाँ पे चावल भी दे दिया है और सब्जी थोड़ा थोड़ा है, ये देखो इसको पकाना पड़ेगा। तो मैं अभी जो लौकी लेके आई थी इसको जो है मैं पकाऊंगी, ड्राई फिश देके पकाऊंगी। तो सबसे पहले जो है लौकी को ऐसे छीलना पड़ता है, ऐसे करके लौकी को जो है मैंने छील दिया है। तो छीलने के बाद जो है इसको चार टुकड़ा कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे इधर एक ब्लॉगर ये लाइव कर रहा है, ये ब्लॉगर। तो इसको जो है ऐसे पीस पीस करना पड़ेगा। ये लाइव स्ट्रीमर, ये तीनों वीडियो बना रहे हैं। तो अभी जो है इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ ऐसे। यहाँ पे जो है मैंने दे दिया है ड्राई फिश और मिर्च नमक लौकी का सब्जी पकाने के लिए। ये देखिए, तो अभी इसको पका लेती हूँ। तो हो जाएगा लास्ट में जो है क्या अंडे फ्राई करेंगे बस। इसको तो है ये हम जाल मुड़ी जैसा खाएगा, ये सिर्फ बॉईल करना है थोड़ा सा नमक देके। ये देखिए यहाँ पे पानी जो है पूरा ठीक से उबल चुका है। अभी जो है लौकी को दे देती हूँ और लास्ट में जो है मैं लास्ट में लहसुन का पेस्ट दे दूंगी। इसमें हम हल्दी नहीं दिया है क्योंकि थोड़ा ग्रीन वेजिटेबल में हम हल्दी थोड़ा कम देते हैं, डायरेक्ट नहीं देते हैं, बस वो मीट मछली में दे देते हैं। पूरा ठीक से जो है उबल रहा है, थोड़ा सा इसको इंतजार करते हैं। और ये जो है लाइव करते करते पता नहीं क्या इसका आहा पोर्क बड़ा मजेदार, आहा पोर्क बड़ा मजेदार, आहा पोर्क खाइसु बड़ा मजेदार। समीर भैया के स्टाइल में पोर्क खाने का सही तरीका देखो, उधर दिखा दिखा के खाने का सही तरीका, सही तरीका। और यहाँ में ब्लॉगिंग करने का सही तरीका। मैंने जो है ज्यादा ही पानी दे दिया तो हो गया है। अभी यहाँ पे लहसुन मैंने खुद के रखी है, इसको दे देती हूँ, अच्छा खुशबू आ जाता है। हो गया, ब्रेकफास्ट भी निकाल दिया है। और यहाँ पे मैंने अंडा बनाया था, अंडा जो है पूरा गर्मी में हालत खराब हो चुका है, पूरा खराब वाला अंडा निकल आ चुका है। तो जैसे तैसे करके यहाँ पे तीन तो अंडा यहाँ ऑमलेट बना दिया पर पूरा खराब हो गया, फिर भी मैं खाऊंगी। और लौकी के सब्जी भी है, इसके साथ जो है ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और इतनी धूप है बा, गरम तो आज गाया, आज तो इंसान लोग गाया बहुत गरम। चलो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, वीडियो जो है बाद में बनाऊंगी क्योंकि रेवन जागने से जो है मुझे खाने नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया था दोस्तों, तो बहुत देर तक हमने रेस्ट किया। और आज इतनी धूप दे रही है बा, लाइट तो है बहुत गर्म है, बहुत गर्म, इतनी तेज धूप कभी दिया ही नहीं बा, बहुत गर्म, पूरा एकदम पाव भी जल रहा है, अजीब सपरा चिंग 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 कर रहा है गर्मी के कारण। सबका हालत अभी मैं दिखाती हूँ। रेवन यहाँ में अभी सो रहा है, मम्मी भी यहाँ में, मम्मी को भी गर्म लग रहा है। और मैं आज पूरा हफ्पेन पे, दीदी जो है अपने रूम पे, लम्बो भी जो है अपना रूम पे, वो भी अपना रूम पे, सब अपने अपने रूम पे। ओ दीदी तो बाहर है, ये देखो पूरा घर। मैं अपना फेशियल कर रही थी खूबसूरती जगाने के लिए, और मेरा ये फ्लावर उड़ गया था, मैं इसको कहाँ कहाँ से उठाई, सूखने का बाद उड़ गया, उड़ गया, बटरफ्लाई है ना, इसलिए बटरफ्लाई पी फ्लावर है, बहुत सुंदर है। अभी ना मैं इसको थोड़ा बॉईल कर लेती हूँ, बनाएगा हाँ इसको बनाएंगे। और आज क्या है स्पेशल है यहाँ में है, ये देखो ये वाले इमली का चटनी खाएंगे ना, तो सबको अभी इसको तोड़ने में बहुत मुश्किल आता, मेरे आंखों के अंदर में खचरा घुस गया था। तो अभी सबको उठने के लिए इंतजार करते हैं, मेहनत से लाए हूँ आपके लिए, आपको खाने मन है, खाने मन कर रहा है। तो मैं थोड़ा देर बाद दिखाऊंगी, सबसे पहले जो है मैं इसको बॉयल कर लेती हूँ, इस वाली कढ़ाई पे बॉयल करूंगी।
गावची, मैंने जो है रेवन के लिए ऑनलाइन से डायपर मंगा दिया था थोड़ा सा सस्ता में, तो देखती हूँ सस्ता में कितना सस्ता में मिला है, कितना सस्ता हिसाब करना पड़ेगा। देखो ऑनलाइन से लेने से ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था ऑनलाइन से खरीद लो, पेमेंट तो, कर दो। हाँ पेमेंट कर देगा। एकदम बड़ा वाला पैकेट जो है ऑर्डर किया था, इससे भी बड़ा बड़ा मिलता है, तो इसमें जो है टोटल कितना है 76 है, 7 केजी से लेकर 12 केजी तक जो है पहन सकता है, तो ये ज़्यादातर हम ये यूज़ कर देते हैं। बाकी जो हागीस और क्या होता है बहुत सारे ऐसे अलग अलग नाम के होते हैं, तो मैं बस पैम्पर्स यूज़ कर देती हूँ। तो हमने हिसाब किया है एक का जो है 12 रुपया हो जाता है, अगर हम यहाँ से ख़रीदेंगे तो मीडियम साइज़ का एक का 20 रुपया पड़ता है यहाँ में दुकान से अगर ख़रीदेंगे तो। पहले तो स्मॉल वाला लगाता है थोड़ा सा, अभी पिछवाड़ा में से बड़ा हो रहा है, रेवन का बम बड़ा हो रहा है, अभी एम साइज उसका ठीक है, एम बहुत अच्छा है। ये थोड़ा ना हल्का फुल्का लगता है मुझे पैम्पर्स, अभी ठंड का टाइम आ रहा है तो देखते हैं कितना महीना तक ये लगा सकता है। मेरा ड्यूटी स्टार्ट है, इतना गर्म है, धूप जो है बहुत तेज़ है, अभी शाम होने को चला है, 3 बज चुका है, अभी तक कम नहीं हुआ है गर्मी। लम्बू जो है जल्दी जल्दी नहा के वो चला गया है मंजिता का हॉस्टल पे, मंजिता ने कॉल किया है, उसको जो है पेंसिल वगैरह चाहिए तो वही पहुँचाने के लिए गया है लम्बू, और साथ में साथ मानवी को भी लेके जाएगा क्या, मंजिता को बहुत याद आ रहा है बोला वो मानवी को, तो दोनों बहनें मिलेंगे। बस ये छोटू साहिरो जो है ये देखो इधर में, ये ब्लॉग बनाने के लिए भी नहीं दे रहा है, अभी हमको ऐसा लग रहा है कि हम डेली ब्लॉग जो है दे नहीं पाएगा क्योंकि बच्चे के साथ में जो है ज़्यादातर रहना पड़ता है, तो अगर मैं अच्छा ब्लॉग बनाऊँगी तो इधर उधर जाना पड़ता है ना कंटेंट के लिए, इस और इसके साथ जो है हर टाइम किसी एक को रहना पड़ता है अभी घर पे, मैं हूँ, रेयन और मम्मी रितु दीदी है, और रितु दीदी और मम्मी जो है रितु दीदी का ब्लॉग बनाने के लिए वो लोग जंगल में सब्जी वगैरह ढूंढने के लिए गया है, मैं तो इधर उधर जा नहीं सकती हूँ, तो रेयन के साथ रहना पड़ता है। मम्मी फ्री होने से मम्मी रखती है, अभी वो भी बिजी है, तो पता नहीं आज ब्लॉग बना पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी। सोच रही हूँ कि ऐसे डेली ब्लॉग जो है मुश्किल होगा मेरे लिए क्योंकि पहले जैसा नहीं हो रहा है, रेवन के साथ जो है दिन भर रहना पड़ता है, और ऐसे गर्मी में भी मैं क्या ही ब्लॉग बनाऊँ ना, तो बस आजकल जो है चैनल पर कुकिंग नीटिंग ही दिखाना पड़ रहा है क्योंकि अलग कंटेंट है ही नहीं क्या बनाऊँ, तो मेरे जो प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं वो लोगों को मैं जो भी दिखाऊँ सब अच्छा लगता है उन्हें। बस ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं रेगुलर ब्लॉग डालने के लिए, जैसे भी हो, कभी कभार तो एक दो दिन गैप होता है, फिर भी मैं कोशिश कर लेती हूँ, अगर जो कोई भी नए नए माँ बने हुए ना वो लोग को मालूम चलेगा कि माँ बनना कितना मुश्किल होता है, और एक हिस्सा तो इजी भी लगता है क्योंकि इतना दिल में वो खुशी रहते हैं ना बच्चा पाने की बात। मेरा जो है हर टाइम YouTube में ध्यान देना पड़ता है, अपने बच्चे को भी देखना पड़ता है, सबसे पहले जो है मेरा बच्चा, फिर उसके बाद जो है YouTube, अगर दोनों को बराबर नहीं करूँगी तो कहाँ हो पाएगा ना, बच्चे को भी देखना पड़ेगा YouTube को भी देखना पड़ेगा, अगर YouTube नहीं वो बना वीडियो नहीं बनाऊँगी तो कैसे ज़िंदगी काटेगा ना। समझ सकूँगे आप लोग, तो बस इसको जो है थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमा रही हूँ, बाद में देखती हूँ ब्लॉग जो है बना पाती हूँ कि नहीं, अगर बना नहीं पाने से भी क्या करें। अभी इसको जो है जैसे तैसे करके सुला दिया, और मम्मी भी फ्री हो चुकी है फाइनली, दीदी का ब्लॉग जो है वहाँ पे हेल्प किया था मम्मी ने, और यहाँ पे हम लोग का सेकंड मामी जो है आई है, मैं फ्राइडे मार्केट से जो बैम्बू शूट ड्राई वाला खरीद के लेके आई थी ना वो वाला जो है 250 रुपीज़ में मिले किलो, एक किलो जो है 250 रुपीज़ में ख़रीद के लेके आई, तो वहाँ से जो है मामी एक हिस्सा आधा किलो इससे मांग रही है, तो पैसा वगैरह तो नहीं लेंगे क्योंकि ओए क्या है पैसा वगैरह तो नहीं लेंगे, ऐसे थोड़ा यहाँ से दे देती हूँ क्योंकि एक हम लोग का दिल्ली वाला बाबी जी जो है उनके लिए भेजना है, इसीलिए मामी तो कभी बोल रही है कि पैसा देंगे ये नहीं, ये वाला ड्राई बेम्बू शूट बाजार में नहीं मिलेगा तब पैसा दे दूंगी बोलता है, 1000 रुपया देना पड़ेगा। चलो यहाँ से लेके जाओ, मापने वाला तो नहीं है वो वाला, चोरी हो गया,
वो मापने वाला पल्ला जो चोरी हो गया चोरी हो गया तो अभी हाथ से जो है लेना पड़ेगा जितना भी ले ले इसमें चखेगा बहुत टेस्टी होता है ना ये वाला और मिलने से और भी खरीद के लाना पड़ेगा फ्राइडे मार्केट से ऐसे होता है हम लोग का गांव में छोटे मोटे जिसका भी पास रहे ना छोटे मोटे सीजे तो मिल बात के खाना चाहिए क्योंकि हम लोग भी वहीं से खाते हैं माम वैसे भी मामी भी कभी कभी हम लोग को बहुत सारे सब्जियां दे देती है उस टाइम पे मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ और इतना छोटा सा सामान के लिए कौन पैसा लेगा अगर किसी को खाने मन कर रहा है वहाँ पे आप अगर दिल ऐसे क्या बोले ऐसे डोनेट भी करो ना तो बहुत पुण्य होता है आजकल ज्यादा ज्ञानी बन चुकी हूँ मैं तो कोई नहीं अभी जो है मैं अपना ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेती हूँ दोस्तों मामी मेरे सासू माँ जो है फ्री हो चुकी है तो अभी वो रेहन को जुला जुला रही है अभी मैं अपना ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेती हूँ मैं सबसे पहले खेत पर जाऊँगी तो खेत से जो है सब साग सब्जी वगैरह थोड़ा डिनर के लिए कलेक्ट करके लेके आऊँगी बस यही है मेरा जिंदगी मैं खेत पर पहुँच चुकी हूँ दोस्तों यहाँ पे देखो इतना बड़ा मूली का खेत इधर से लेकर उधर तक पूरा एकदम नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है ना जैसे ये मूली का सीजन ख़त्म हो जाएगा ना तब इसमें जो है भाभी सरसों का खेत करेगी ये वाला जो है अभी मानवी का पापा लोग उस साइड में रहते हैं तो ये हिस्सा जो है ज़्यादातर ये लोग खेत करते हैं अभी हम लोग तो उतना बड़ा बड़ा खेत नहीं करते पहले में मिल बात के करते थे उस टाइम पर यूट्यूब चैनल भी नहीं था मेरा तो जाते वक्त उधर साइड से मूली का साग लेके जाऊंगी और इतना सुंदर लग रहा है ना आप लोग देख रहे हो ये वाला जगह मुझे ना इस साइड में घर बनाने के लिए बहुत मन है ये देखो जब सनसेट हो जाएगा उस टाइम पे इतना खूबसूरत लगेगा ना पूरा हरियाली हरियाली तो प्लान कर रहे हैं प्लानिंग तो ऐसे कर दिया दिसंबर को या जनवरी को जो है नया घर की शुरुआत करेंगे बस हो पाता है कि नहीं कोशिश करना पड़ेगा आप लोग का प्यार और भगवान का प्यार वो सब चाहिए एकदम तगड़ा करके चलिए अभी जाती हूँ इतना सुंदर है ना मूली का साग ये देखो बहुत अच्छा हुआ जब मूली खाने का लायक हो जाएगा उस टाइम पे एकदम बढ़िया वाला रेसिपी शेयर करूँगी आप लोग के साथ में मैंने जो है उधर भाभी का घर गई तो वहाँ पे जो है कोई भी नहीं था आ गई वापस बस मैंने जो है धनिया पत्ता थोड़ा सा लेके आई ये मिर्च का चटनी खाने के लिए तो अभी मैं यहाँ से जो है मूली का साग तोड़ लेती हूँ ये स्पेशली लम्बो को बहुत पसंद है ये देखिए छोटे छोटे मूली है ज़्यादा बड़ा वाला भी टेस्टी नहीं लगता है इसको इधर रखती हूँ वाह ये देखिए पूरा फ्रेश फ्रेश इस वाला जो है ये वाला सफ़ा कर नहीं पाया इतना बड़ा कौन सफ़ा करेगा ना ये भी पूरा हाजिरा ले लेके जो है सफ़ा गया था इस साइड से लेकर तो यहाँ से हम लेके नहीं जाते बस जो जंगल में रहता है उसी से लेके जाते हैं तो अभी मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे तोड़ लेती हूँ साग भी तोड़ दिया है पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ और देखो पूरा स्किन जो एकदम कैसा हाथ जो एकदम जल रही है शाइनिंग कर रही है पूरा इतना पसीना पसीना बहुत गर्म लग रहा है अभी नहाना पड़ेगा पूरा गर्मी के कारण हालत ख़राब हो चुका है अभी ये साग को जो है सफ़ा करनी पड़ेगी बाप रे देख सकते हो बिगड़ चुका है हालत पूरा डायरेक्ट आग में आता है सूरज ये मौसम जो है देखते ही देखते पूरा बदल रहा है पहले इतना गर्म जब मैं खेत में थी उस टाइम भी पूरा पसीना के वजह से पूरा नहाई मैं पसीना के साथ साथ नहा लिया अभी जो है साग को वहाँ में रख दिया बाद में जो है सफ़ा करूँगी तो मैं सबसे पहले जो है नहा लेती हूँ रेवन भी जाग गया पूरा एकदम बूढ़ी जो है खुजली हो रहा है जंगल में घुस गए ना इसलिए और रेवन भी आजकल इतना बदमाश हो गया सोने का नाम ही नहीं लेता है दिन पे जो है कम से कम 5 बार सो जाता है वो आज तो आज का दिन पे सिर्फ 2 बार सोया सुबह का टाइम पे एक बार जब ब्रेकफास्ट खा दिया उस टाइम पे फिर से वो जाग गया अभी का टाइम पे नहलाने के बाद फिर से वो सोया था थोड़ा देर ऐसे में खेत गई तो पूरा यहाँ में बड़ा बड़ा आग करके रह रहा है इतना गुस्सा लगता है नहीं सोता है आजकल जितना सोएगा उतना अच्छा है बच्ची का
ओ भगवान, अभी तो बहुत थक गई हूँ, वीडियो जो है आगे बना नहीं पाऊंगी, इतना थक गई हूँ। ये देखो, वाह जाग गया तुम, हाँ जाग गया, 5 मिनट सोया कि नहीं सोया है, इतना जल्दी जाग जाता है। ये देखो, जो जो भी रैन को पसंद करता है जल्दी से जल्दी रैन के लिए लाइक करो, है ना बाबा, लाइक करो, कमेंट करो। देखो अभी जो है इसको घूमी घूमी करना है, घूमी घूमी मम्मी के साथ। वाह, अभी तो मौसम जो है ठंडा ठंडा कर दिया ना, बस थोड़ा सा नेचुरल हवा ले लो। कितना लेगा पंखा का हवा, है ना, है ना, कितना लेगा पंखा का हवा। देखो सोने के बाद ये ऐसे मूड ऑफ हो जाता है। वीडियो जो है दोस्तों आगे मैं कंटिन्यू कर नहीं पाऊंगी, बहुत ही ज्यादा गर्म लग रही है और बॉडी भी इतना खुजली कर रहा है ना, तो अभी नहा धो के जो है फ्रेश हो जाती हूँ, फिर बाद में जो है डिनर बनाएंगे। अभी सबसे पहले नहा लेती हूँ, अभी मौसम भी बदल रहा है। तो बस इसी के साथ ब्लॉग जो है एंड कर लेते हैं। तो आप सभी को आज का ब्लॉग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। तो मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।